नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी गुरु माँ सरोज देवी जी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे विदेश में बैठे व्यक्ति को अपने वश में करने का टोटका। दोस्तों, क्या आप विदेश में बैठे किसी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, उसे अपने काबू में करना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज का हमारा यह है बताया हुआ टोटका आपका 100% काम करेगा। वह व्यक्ति जो विदेश में बैठा है, वह बड़ी ही आसानी से आपके वश में हो जाएगा, आपकी सभी बातें मानने लगेगा। जी दोस्तों, आप इस टोटके के द्वारा बहुत ही आसानी से उस इंसान को अपने वश में कर सकेंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं इस विधि को कैसे करना है। इस विधि को करने के लिए आपको एक नींबू लेना है। इस नींबू पर आपने उस विदेश में बैठे हुए व्यक्ति का नाम लिखना है। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है रोहित, तो आपको इस तरीके से रोहित लिखना है। और फिर आपको एक जंग लगी हुई कील लेनी है। इस कील को आपने रोहित के नाम से ठीक गाड़ देना है। और फिर इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, ओम ह्रीम क्लीम दुश्मन भैरवाय फट स्वाहा। और इस मंत्र का जाप करना है दोस्तों। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम वश्यम क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपने कम से कम 21 बार करना है। मंत्र जाप पूरा हो जाने के बाद आपको इस तरीके से एक पोटली बना लेनी है। इस पोटली के ऊपर आपने इस काले धागे को लपेट लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इस पोटली को ले जाकर किसी भी सुनसान जगह जाना है, जहाँ पर मिट्टी। इस पोटली को ले जाकर आपको अपने घर के बाहर जाना है। जहाँ पर भी मिट्टी वाला रास्ता होगा, आपने इस पोटली को वहाँ पे दबा देना है। उसके बाद आप देखेंगे जो भी व्यक्ति जिसे आप अपने वश में करना चाहते थे, वह धीरे धीरे आपके वश में हो जाएगा। और फिर वह धीरे धीरे आपके वश में हो जाएगा और खुद आपको व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करेगा। इस टोटके को करने के बाद आपको इसका फल जरूर मिलेगा दोस्तों। अगर आपको इस टोटके को करने के बाद कोई भी फल नहीं मिलता, तो बिना देरी के स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारी गुरु माँ सरोज देवी जी से संपर्क करें। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। जय माता दी।